फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, मैं हूं ज्योति और हमेशा की तरह मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं कि आपको सिर्फ 3915 रुपये मंथली आपको यहां पे सेविंग करनी है, बचाने हैं, और आप 27 लाख रुपये आपको मिलेंगे, वो भी टैक्स फ्री, यानी कि उस पर आपको कोई भी टैक्स पे नहीं करना। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि अगर आप बैंक में भी सेविंग करते हैं, बैंक में अगर आप FD वगैरह लेते हैं या कुछ भी कोई नॉर्मल वहाँ पे आप सेविंग करते हैं, तो वहाँ पे जो आपका पैसा होता है उस पर टैक्स कटता है एंड में। लेकिन अगर आप LIC में कोई भी प्लान लेते हैं, इनफैक्ट काफ़ी सारे प्लान ऐसे हैं जिसमें ये टैक्स नहीं कटता है, आपकी जो मैच्योरिटी होती है पूरी तरीके से टैक्स फ्री होती है। इसलिए फ्रेंड्स, LIC में आपको प्लान लेने का काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिल जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर हम देखें कि पर डे आपको कितना यहाँ पे जो है अमाउंट देना पड़ेगा, तो फ्रेंड्स पर डे आपका एवरेज जो है 126 रुपये पड़ेगा पर डे। तो फ्रेंड्स, इसके पहले कुछ हम क्राइटेरिया समझ लेते हैं कि आखिर ये प्लान जो है कैसे काम करता है, क्या इसका एज कैटेगरी वगैरह होती है। फ्रेंड्स, एज की अगर हम लोग यहाँ पर बात करें, तो फ्रेंड्स एज इसमें यहाँ पर अगर हम लोग मिनिमम एज की बात करें, तो फ्रेंड्स मिनिमम एज इसमें 8 साल होती है, यानी कि 8 साल की किसी भी बच्चे को ये प्लान दिया जा सकता है। और फ्रेंड्स, जो मैक्सिमम एज होती है वो तो वैसे यहाँ पे प्लान टर्म के अकॉर्डिंग होती है। तो फ्रेंड्स, अगर यहाँ पे मैं आपको प्लान टर्म बताऊँ, तो फ्रेंड्स इस प्लान में जो आपको प्लान टर्म मिलते हैं वो 3 यहाँ पे टर्म मिलते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स आपको मिलता है 10-16, फ्रेंड्स दूसरा यहाँ पे आपको मिलता है 15-21, और तीसरा आपको यहाँ पे मिलता है 16-25। फ्रेंड्स, तीनों ही टर्म के लिए मिनिमम एज यहाँ पे 8 साल ही रखी जाती है। इसके बाद फ्रेंड्स, अगर हम लोग बात करें मैक्सिमम एज की, कि मैक्सिमम एज यहाँ पे कितनी ली गई है, मैक्सिमम एज कितनी होनी चाहिए, तो फ्रेंड्स मैक्सिमम एज भी मैं आपको बता देती हूँ। तो फ्रेंड्स, मैक्सिमम एज अगर हम लोग बात करें, तो सबसे पहला वाला जो टर्म है इसमें होती है 59 ईयर्स। फ्रेंड्स, दूसरा हमारा होता है इसमें, फ्रेंड्स हमारी जो एज होती है वो होती है 54 ईयर्स, और जो तीसरा हमारा है इसमें होते हैं 50, यानी कि 50 साल। तो फ्रेंड्स, मिनिमम एज सबके लिए सेम होती है, लेकिन मैक्सिमम एज प्लान टर्म के अकॉर्डिंग होती है। 10-16 का मतलब है कि इतने साल आपको प्रीमियम देना है, इतने पे मैच्योरिटी आएगी। 15 साल प्रीमियम देना है, 21 में मैच्योरिटी आएगी, 16 साल प्रीमियम देना है और 25 में मैच्योरिटी आएगी। और मैक्सिमम एज मैंने आपको नीचे मैंशन कर दिया। अब फ्रेंड्स, आगे मैं आपको बताती हूँ कि इसमें जो है प्लान टर्म मैंने आपको बता दिया, एज कैटेगरी बता दी। अब फ्रेंड्स, इसमें अब मैं आपको बता देती हूँ कि जो मिनिमम सम अश्योर है आप कितना ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मिनिमम सम अश्योर यहाँ पे 2 लाख रुपये होता है। अगर आप बीमा लेना चाहते हैं तो यहाँ पे आप 2 लाख रुपये का बीमा ले सकते हैं। मैक्सिमम की यहाँ पे कोई भी लिमिट नहीं होती है, वो आप अपनी सैलरी, यानी कि जो भी आपकी सैलरी होती है उसके बेस पर आपको मिल सकता है। इसके बाद फ्रेंड्स, अगर हम लोग बात करते हैं मैच्योरिटी एज की, तो फ्रेंड्स मैच्योरिटी एज जो है आपकी 75 ईयर्स होनी चाहिए, यानी कि अगर किसी भी व्यक्ति को पॉलिसी दी जाती है तो पॉलिसी की मैच्योरिटी के समय पे उसकी एज 75 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये होते हैं इस प्लान के क्राइटेरियाज होते हैं, ये इसकी एलिजिबिलिटीज़ होती हैं। अब मैं आपको बता देती हूँ कि जो मैंने आपको बताया है कि 3915 रुपये में देकर आपको 27 लाख रुपये मिल सकते हैं, तो वो कैसे मिल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके लिए आपको करना क्या है, फ्रेंड्स कोई भी अगर प्लान हम लोग लेते हैं तो उसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है एज। तो फ्रेंड्स, मैंने जो यहाँ पे एग्जांपल लिया है उसके लिए मैंने यहाँ पे एज यहाँ पे 25 ईयर्स ली है। फ्रेंड्स, जैसे आपकी एज बढ़ती है प्रीमियम आपका बढ़ता है, जितनी एज कम होगी उतना प्रीमियम भी कम होगा। 200 सम अश्योर यहाँ पर मैंने लिया है 10 लाख, और प्लान टर्म मैंने यहाँ पर लिया है 16-25। तो फ्रेंड्स, ये मैंने यहाँ पे इतनी चीज़ें ली हैं। अब फ्रेंड्स, अगर मैं यहाँ पे बात करती हूँ कि इनको कितने पैसे देने पड़ेंगे, फ्रेंड्स अगर आपकी भी 25 साल उम्र है तो आपको भी कितने पैसे देने पड़ेंगे।
फ्रेंड्स, यहाँ पे जो प्रीमियम है वो एज के अकॉर्डिंग कैलकुलेट होता है। अगर आपकी भी 25 साल उम्र है तो आप पे भी इतना ही प्रीमियम आएगा। फ्रेंड्स, अगर एज बढ़ती है तो प्रीमियम भी बढ़ता है, और अगर एज कम है तो प्रीमियम भी आपका थोड़ा बहुत कम जाएगा। तो फ्रेंड्स, प्लांटर में आपका 16-25 है, यानी कि 16 साल क्या करना है आपको, प्रीमियम देना है। 16 साल आपको प्रीमियम देना है, और 9 ईयर्स आपको क्या करना है, वेट करना है। यहाँ पे वेटिंग पीरियड ये होता है। तो फ्रेंड, जब 25 ईयर कंप्लीट हो जाएंगे तो आपकी पॉलिसी की मैच्योरिटी आ जाएगी। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से यहाँ पे ये प्लान काम करता है। अब फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर यहाँ पे हम लोग मान कर चलते हैं कि मंथली अगर आपने ये प्लान लिया है और मंथली यहाँ पे आपका प्रीमियम 3915 रुपये जाता है, तो फ्रेंड्स पर डे आपको यहाँ पे पड़ता है 126 रुपये सिर्फ। तो फ्रेंड्स, काफ़ी बड़ा ही अमाउंट नहीं है, आप इसको ले सकते हैं। फ्रेंड्स, आपके बच्चे अगर अभी छोटे हैं तो आपके बच्चों की पढ़ाई के पर्पस से, हायर एजुकेशन के पर्पस से ये पैसा आपके काफ़ी काम आ सकता है। फ्रेंड्स, मंथली यहाँ पे जो है पैसा आपको जाएगा 3915 रुपये, और ईयरली अगर हम लोग बात करें तो ईयरली फ्रेंड्स यहाँ पे आपका पैसा जाएगा 46,040 रुपये। तो फ्रेंड्स, इतना यहाँ पे पैसा जाएगा ईयरली, यानी कि मंथली अगर आप देते हो तो इतना पे करना है, ईयरली अगर आप लोग देखते हैं तो इतना यहाँ पे करना है। तो फ्रेंड्स, इतना आपको क्या करना है, 16 सालों तक पे करना है। तो फ्रेंड्स, जब 16 साल पूरे हो जाते हैं तो अगर हम लोग देखेंगे 16 साल में आपने कितना जो है पैसा वहाँ पे जमा कर दिया है LIC में, तो फ्रेंड्स 16 सालों के अंदर में आपने यहाँ पे पैसा जमा किया है लगभग 7.5 लाख रुपये आपने जमा किए हैं। तो फ्रेंड्स, लगभग 16 साल में आपने कितना पैसा जमा किया है, 7.5 लाख रुपये। और फ्रेंड्स, इसके बाद क्या करना है, 9 ईयर्स आपको क्या करना है, वेट करना है। वेट करने के बाद जैसे ही आपके 25 साल कंप्लीट होते हैं तब आपको यहाँ पे क्या क्या मिलता है वो मैं आपको बताती हूँ। इससे पहले फ्रेंड्स, मैं आपको एक चीज़ और बता देती हूँ, इसमें आपको एक्सीडेंटल कवर भी मिलता है। यानी कि फ्रेंड्स, इनकेस अगर एक्सीडेंट में पॉलिसी होल्डर के साथ कुछ मिसहैपनिंग हो जाती है, वो नहीं रहता, तो भी यहाँ पे जो नॉमिनीज को अमाउंट पे किया जाता है, तो फ्रेंड्स एक्सीडेंटल का यहाँ पे 20 लाख अमाउंट रहता है। यानी कि अगर उसकी एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है, उसकी नॉमिनी को 20 लाख रुपये यहाँ पे पे आउट हो जाता है, और पॉलिसी बंद हो जाती है, पॉलिसी क्लोज हो जाती है। फ्रेंड्स, इसके बाद अगर मैं आपको बताऊँ कि कितना पैसा यहाँ पे आपको किस तरीके से ऐड होता है, तो वो मैं आपको बता देती हूँ। फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आपका सम अश्योर रहता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका सम अश्योर यहाँ पे कितना रहता है, 10 लाख रुपये। फ्रेंड्स, सेकेंडली आपको यहाँ पे आता है बोनस। दोस्तों, बोनस जो है वो LIC यहाँ पे करती है अपने पॉलिसी होल्डर्स को, यानी कि जितने साल आपको पैसा जमा हुआ है उसका इंटरेस्ट आप इसे कह सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर हम लोग देखें कि इन 25 सालों के दौरान इसका कितना बोनस ऐड हुआ, तो फ्रेंड्स इसका बोनस ऐड हुआ है 11,75,000 रुपये। इतना फ्रेंड्स यहाँ पे इसका बोनस वो हुआ है, टोटल हुआ है। फ्रेंड्स, अगर हम लोग बात करें कि बोनस रेट कितना है, तो फ्रेंड्स इसका बोनस रेट है 47 per 1000 पर एनुअल, यानी कि हर साल उसकी पॉलिसी में 1000 रुपये पे 47 रुपये का जो बोनस है वो ऐड होता रहता है। इसके बाद फ्रेंड्स बात कर लेते हैं फाइनल एडिशनल बोनस की। फ्रेंड्स, अगर बात करें फाइनल एडिशनल की बोनस की, तो फ्रेंड्स इस पॉलिसी में आपको वो भी ऐड होता है। अगर उसका मैं आपको बताऊँ तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपका 4,50,000 रुपये फाइनल एडिशनल बोनस ऐड हो जाता है। तो फ्रेंड्स, इतना पैसा है जो आपकी पॉलिसी पे टोटल पैसा जो है यहाँ पे ऐड हो जाएगा जब आपकी मैच्योरिटी आएगी 26 साल का। तो फ्रेंड्स, अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि 26 साल बाद उसको टोटल कितना अमाउंट मिलेगा, तो फ्रेंड्स 26 साल बाद उसको 26,25,000 रुपये यहाँ पे उसको पे आउट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये जो मैंने आपकी अभी आपको कैलकुलेशन की है, ये करंट बोनस जो रेट है हमारा उसके बेस पे मैंने की है, क्योंकि बोनस रेट हर साल डिक्लेयर होता है LIC के द्वारा। तो फ्रेंड्स, ये जो बोनस है ये बढ़ भी सकता है और
घट भी सकता है, इसकी कोई भी गारंटी नहीं है। तो फ्रेंड्स, ज़रूरी नहीं है कि जो अमाउंट अभी आपको बताया जा रहा है उतना ही आपको मिले। हो सकता है कि आपको पैसा बढ़ के मिले यहाँ पे 27 लाख, 28 लाख, और या फिर आपको पैसा घट के मिले। तो फ्रेंड्स, ये डिपेंड करता है कि उस टाइम पे बोनस रेट क्या होगा। तो फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को वीडियो काफ़ी अच्छे से समझ में आई हो। फ्रेंड्स, वीडियो कैसी लगी आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर वीडियो आप लोग अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए, खुश रहिए। बाय फ्रेंड्स।